इस बात के लिए आग्रह करूंगा आपको, अच्छा लगे बुरा लगे, विधायक विधायक होता है। जैसे आप चुन करके आए हैं, चाहे वो पहली बार का है, चाहे वो दूसरी बार का है, चाहे चौथी बार का है, चाहे छठी बार का है, ये टिप्पणी करना उचित नहीं है। पहली बार आए, दूसरी बात, आप बार बार इस बात को, आप रुकिए अब थोड़ा सा, कि जानकारी नहीं है। जैसे जानकारी का भंडार अभी 9 महीने में इनके पास ही आ गया सारा, ये शब्द अच्छे नहीं है। सभी की, सभी माननीय सदस्यों की गरिमा है, आप अपना जवाब दीजिए, लेकिन इस तरह से व्यक्तिगत एक्सप्रेशन करना ये उचित नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये सदस्यों की गरिमा के खिलाफ है। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रश्न, ये प्रश्न ही नहीं होता कि पहली बार दूसरी बार, जो चुन करके आया वो लोगों ने जैसे आपको भेजा वैसे उनको भेजा है, बात खत्म है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप। अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न का सवाल है, ये सप्लीमेंट्री जो प्रश्न है माननीय सदस्य का, इनका कहना है कि 70-80 साल से वो लोग वहां पर जो है अपना काम भी, परिवार के लिए भी पालन पोषण उससे हो रहा है, और वो बुरे वक्त में काम भी कर रहे हैं। जब जलोड़ी पास में एक बार नहीं अनेकों बार लोग फंस गए, तो वही लोग थे जो सबसे पहले उनको मदद करने के लिए पहुंचे वहां पर। दूसरी बात, अगर उनको वहां से आपने उठाना था, जो वहां पर एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बना करके तैयार किया है, जो जिसका जिक्र कर देंगे लाडा के माध्यम से, आप उसमें कोई प्रोविजन करते हैं उसमें कि उनके लिए भी कुछ व्यवस्था उस तरह से हो सकते हैं, नए लोगों को भी उसमें करिए। रेवेन्यू कितना कर आएगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक तरीका हो सकता था उजाड़ने के बजाय उन लोगों के लिए मदद भी, और उसके बाद एक व्यवस्था के अनुरूप जो है चीजें, क्योंकि अगर अवैध निर्माण है तो स्वाभाविक रूप से उसके लिए एक तरीका भी निकल जाता, ताकि उनकी भी समस्या का समाधान होता और जो आप चाहते हैं आपकी समस्या का भी समाधान होता। क्या आप विचार करेंगे कि जो लोग वहां से जो है विस्थापित हुए हैं इस सारी चीज के कारण, और हिमाचल में अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी, अगर मैं बोलूं कि नए नए बने तो आपको अच्छा लगेगा क्या? हाँ जी, अच्छा किसी को नहीं लगेगा। अगर मैं बोलूंगा आप नए नए बने अभी, तो अच्छा नहीं लगता किसी को भी। बन गए तो आप व्यवस्था के अनुरूप आज मुख्यमंत्री हैं, बात खत्म है। अब उसमें मैं ये जानना चाह मैं ये कहना चाहता हूं, क्या आप इस बात पर विचार करेंगे कि जो लोग विस्थापित हुए हैं उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए कोई ऐसा व्यवस्था करेंगे ताकि वो भी उसमें शामिल हो, जिनको आप वहां पर सेटल कर रहे हैं, जिनको आप अलॉट कर रहे हैं मकान, ये वहां पर दुकानें कर रहे हैं, जो भी स्ट्रक्चर वहां पर बने उसमें, ताकि उनके परिवार की भी ठीक प्रकार से व्यवस्था, जो सुचारू रूप से जैसे चल रहा था उस तरह से चलने के लिए मदद करें। अब तो याद हो जाना चाहिए, हम भी तो किताबें पढ़ के जवाब दे रहे हैं ना। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने क्या कहा कि पहली बार चुनकर विधायक बने, जोश में है, तो इसमें कोई गलत बात हुई? पहली बार जो चुनकर विधायक आता है इस सदन में, सभागार में, वो सब जोश में होते, इसमें नए नए आते और अच्छा सवाल पूछते, लेकिन उन्होंने सवाल पूछा है, और पूर्व मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, उन्होंने सवाल पूछा अवैध हटाए कि नहीं हटाए, हमने बताया उसमें हटाए, फिर उन्होंने उत्तर फिर दोबारा सवाल पूछा कि क्या इनको बसाने की बात करेंगे, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री न्याय ही बनता है, राणा नहीं होता, मुख्यमंत्री न्याय ही बनता है, हर बारी न्याय बनता है, व्यवस्था ही है। आप भी रहे ना तो हमारे को जैसे बुक की आप भी रहे ना तो थोड़ा सा आप भी आप हम नए हैं, तभी तो व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है तभी तो व्यवस्था पर। और मुझे लगता है माननीय अध्यक्ष महोदय, मंडी से चुनाव लड़ने की नो इंटरप्शन प्लीज, आई थिंक विल गो ऑन। आपने और तो नहीं बोलना बैठे बैठे,
आपने और तो नहीं बोलना बैठे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उनको रोकने को बोलो ना, इतना गुस्सा मत करो, इसको रोक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि हर क्वेश्चन में इनका दर्द झलकता है, हर क्वेश्चन में हाथ उठाकर दर्द झलकता है और सवाल कोई पूछते नहीं है। हमने कहा कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ किसी को हटाया जाएगा। धन्यवाद।